कंठे महाराज। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कंठे महाराज पंडित राम सहाय परंपरा के पंडित बलदेव सहाय के योग्य शिष्य थे। बलदेव सहाय आपके निकट संबंधी थे। उनसे आपने 7-8 वर्षों की अवस्था से तबला सीखना शुरू किया और लगभग 23 वर्षों तक शिक्षा लेते रहे। करीब 3 वर्षों तक सीख ही पाए थे कि पंडित बलदेव सहाय को नेपाल जाना पड़ा। वहां वे नेपाल दरबार में नियुक्त हो गए। बालक कंठे को गुरु के वियोग में बड़ा कष्ट पहुंचा। वे किसी प्रकार नेपाल जाने के लिए ललायित थे। सौभाग्यवश उनके मोहल्ले के एक व्यक्ति नेपाल जा रहे थे। आप उन्हीं के साथ चल पड़े और किसी प्रकार 5 दिनों में नेपाल जा पहुंचे। अपने पूज्य गुरु से मिलकर आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उनके साथ 4 वर्षों तक नेपाल में रहकर आपने कठिन साधना की और विद्या प्राप्त की। पंडित बलदेव सहाय ने भी बड़े स्नेह के साथ आपको सिखाया और अथाह विद्या दी। कंठे महाराज नित्य प्रति काफी समय तक अभ्यास करते थे, यहाँ तक कि आपके दाहिने हाथ की तर्जनी फट जाती थी, किंतु अभ्यास में कभी कमी नहीं करते थे। इसी कारण आप संगीत सम्मेलनों में कई घंटों तक लगातार सोलो वादन प्रस्तुत कर सकते थे। आप कद, परन, छंद, तिहाई आदि के निर्वाह में बड़े प्रवीण थे। आपने अपनी युवावस्था में बड़ा नाम कमाया। आपके भतीजे और शिष्य पंडित किशन महाराज इस समय उच्च कोटि के तबला वादकों में गिने जाते हैं। कंठे जी का जन्म वाराणसी में सन 1880 में हुआ। सन 1967 में संगीत नाटक अकादमी ने आपको सम्मानित किया। आपकी मृत्यु 1 अगस्त 1969 को वाराणसी में हुई।